उत्तर प्रदेश में कानपुर के रहने वाले रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। कोठारी पर बैंक का 800 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाने का आरोप है। बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर सीबीआई की टीम ने कानपुर में कोठारी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई भी की। मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक के ब्रैडी हाउस ब्रांच को सील कर सीबीआई ने इस ब्रांच में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है। यह वही ब्रांच है जहां 11,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वहीं जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी नीरव मोदी पिछले साल नवंबर के महीने में ही अपना स्टेटस चेंज कर एनआरआई बन गया था। गुजरात नगर पालिका चुनाव की मतगणना हो रही है। 74 में से 30 नगर पालिकाओं के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें 16 नगर पालिका में बीजेपी और 14 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी 11 नगर पालिकाओं में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 10 नगर पालिकाओं में आगे चल रही है। पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने बुशरा मेनका के साथ तीसरी शादी कर ली है। बुशरा मेनका एक आध्यात्मिक शिक्षक हैं।